हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं। आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो एक नंबर जो बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं, जिनकी पढ़ाई एक तरीके से बहुत ही बुरे दौर से गुजर रही थी, क्योंकि कंटेंट्स अवेलेबल नहीं थे, वीडियोस अवेलेबल नहीं थे, क्योंकि उनका सिलेबस जो है अचानक से चेंज कर दिया गया है। इस साल से उनका सिलेबस जो है बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए हमारे चैनल ने एक डिसीजन लिया है कि हम लोग जो है बीकॉम के नए सिलेबस के ऊपर फोकस करेंगे और उसके ऊपर वीडियोस बनाई जाएंगी। तो ऑलरेडी दो टॉपिक्स के ऊपर ऑलरेडी वीडियोस बन चुकी हैं, प्लेलिस्ट बन चुकी हैं, उन सबको अरेंज करना है। तो हर एक जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उन सब के ऊपर एटलीस्ट एक एक वीडियो बना करके उनको उनके प्लेलिस्ट में ऐड करके मैं उनको अरेंज करके आपको दिखा दूंगा, और धीरे धीरे करके वहां पे वीडियोस ऐड होती जाएंगी। आपको बस उन सबको वॉच करना है और एग्जामिनेशन में जाकर के अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। हम लोग उन्हीं सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करेंगे जो कि एग्जामिनेशन में बहुत ही कॉमन है, जो कि एग्जामिनेशन में आपसे जनरली पूछे जाते हैं। तो हमारे चैनल को अच्छे तरीके से देख लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को अच्छे तरीके से वॉच कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए चैनल को, ताकि उनको भी जानकारी मिल पाए, उनकी भी बीकॉम की प्रिपरेशन जो है वो ठीक तरीके से हो पाए। और हमारा चैनल जो है साथ ही साथ एमकॉम की स्टडी भी करवाता है। अगर आपसे कोई जूनियर है जो 11-12 में पढ़ रहा हो, तो 11-12 की स्टडी भी एनसीईआरटी बुक्स के थ्रू हमारे चैनल पे होती है, जिसका वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड करते रहता हूँ। उसका प्लेलिस्ट जो है आपको हमारे वेबसाइट पे मिल जाएगा, या अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो YouTube पे भी आप हमारे चैनल के नाम के ऊपर क्लिक करके आप हमारे चैनल में विजिट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाना है। वहां पे आपको 11-12 की प्लेलिस्ट, एमकॉम की प्लेलिस्ट और बीकॉम की प्लेलिस्ट, चाहे न्यू हो या ओल्ड, सारी की सारी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगी, जिनको देख करके आप बहुत ही आसानी से एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर पाओगे। ठीक है ना? तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है BCOC 133। BCOC 131, 132 के ऊपर ऑलरेडी वीडियोस बन चुकी हैं, 133 के ऊपर ये पहला वीडियो होने वाला है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लॉ। लॉ क्या होता है और क्या महत्व है इसका, ये हम बात करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। ठीक है, तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं बिना समय बर्बाद किए। उसके पहले कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिलती रहे। तो बीसीओसी 133 स्टार्ट करते हैं बिजनेस लॉ। ये हमारे टोटल चार चैप्टर है। इस ब्लॉक वन में टोटल चार चैप्टर आपको मिलेंगे, एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज एंड फ्री कॉन्सेंट। तो जो हम सबसे पहला टॉपिक अभी करने वाले हैं वो होने वाला है एसेंशियल ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, यूनिट वन हम करेंगे। तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट जो है, जो कि इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन भी है, वो ये है कि लॉ का मीनिंग एंड सोर्स ऑफ बिजनेस लॉ, है ना? लॉ का क्या मतलब होता है और उसका क्या सोर्स होता है, ये हमारा आज का टॉपिक होने वाला है, जिसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, चलो फिर लेट्स स्टार्ट करते हैं। You have learned that business law is a part of civil law and it governs and regulates the trade and commerce in a country. है ना? तो किसी भी कंट्री में जो बिजनेस लॉ होता है वो सिविल लॉ का हिस्सा होता है, और ये लॉ जो है किसी भी कंट्री में बिजनेस जो काम करता है, किस तरीके से काम करेगा, ट्रेड कॉमर्स किस तरीके से काम करेगी, इस बारे में ये जो है लॉ हमें बताता है। इन अदर वर्ड्स, द बिजनेस लॉ ग्रुप्स टुगेदर लॉज दैट आर कंसिडर्ड इम्पॉर्टेंट फॉर मैन इन बिजनेस एंड इंक्लूड्स लॉज रिलेटिंग टू वेरियस कॉन्ट्रैक्ट्स, पार्टनरशिप्स, कंपनीज, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, एंड इंश्योरेंस, कैरेज ऑफ गुड्स, आर्बिट्रेशन, ईटीसी, है ना? तो ये वो सारे के सारे टॉपिक्स मैंने अभी आपको गिनाए हैं, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट्स हो, पार्टनरशिप हो, कंपनीज हो, इन सब के पीछे कुछ ना कुछ लॉ होता है जो कि काम कर रहा होता है, जो कि बिजनेस को आगे बढ़ाने में हेल्पफुल होता है ना? तो इन सारे लॉज को ही हम लोग कहेंगे बिजनेस लॉ, क्योंकि ये बिजनेस के लिए है। इन सारे लॉज का इस्तेमाल जो है बिजनेस के लिए होता है, तो हम इसे बिजनेस लॉ कहेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। नीचे चलते हैं। सो इंडियन बिजनेस लॉ इज प्राइमरली एन अडेप्टेशन ऑफ इंग्लिश लॉ। तो जो इंग्लिश लॉ है, जो अंग्रेजों का जो लॉ था, उसका ही एक अडेप्टेशन है हमारा इंडियन बिजनेस लॉ। द डिफरेंट इंडियन एक्ट्स फॉलो टू कंसिडरेबल एक्सटेंड द इंग्लिश मर्केंटाइल लॉ विद सम रिजर्वेशन एंड मॉडिफिकेशन नेसेसिएटेड बाई द पिक्यूलियर कंडीशन प्रिवेलिंग इन इंडिया। तो जो अमेरिका आई मीन आई एम सो सॉरी जो इंग्लैंड में जो लॉ चलता है मर्केंटाइल लॉ, जिसे हम बिजनेस लॉ के नाम से जानते हैं, उसी लॉ को इंडिया में थोड़े बहुत चेंजेस के साथ, थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन के साथ, मैं इसको दिखाता हुआ चलता हूँ, रिजर्वेशन एंड मॉडिफिकेशन के साथ, जो कि जरूरी है इंडियन पिकुलियर कंडीशन के कारण, है ना, उसके अकॉर्डिंग जो है हमारे जो लॉ है, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है। ये पूरी तरीके से जो इंग्लैंड जो लॉ फॉलो करता है वही है, मर्केंटाइल लॉ वही है, लेकिन हमारे कंडीशन के हिसाब से, जो कंडीशंस हमारे यहाँ पे प्रिवेल करती हैं इंडिया में, उसके अकॉर्डिंग जो है इन सारे लॉज में थोड़े बहुत रिजर्वेशन, थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन अकॉर्डिंगली किए गए हैं।
है ना। अब बात कर लेते हैं सोर्स के बारे में। मैं सोर्स के बारे में ही आपको बता रहा था, बट यहाँ पे सोर्स को जो है पॉइंट के हिसाब से दिखाया गया है, तो मैं ये एक एक करके आपको बताऊंगा। सो द मेन सोर्स ऑफ बिजनेस लॉ इन इंडिया आर एज फॉलोज, है ना। तो सबसे पहला कौन है? इंग्लिश मर्केंटाइल लॉ हमारा सबसे पहला सोर्स है, जहां से हमारा जो लॉ है वो बनता है। आवर लॉज आर बेस्ड प्राइमरली ऑन द इंग्लिश लॉज विच डेवलप थ्रू द कस्टम्स एंड यूसेज ऑफ मर्चेंट्स और ट्रेडर्स। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो हमारा लॉ है वो प्राइमरली बेस्ड है इंग्लिश लॉज के ऊपर, है ना, जो कि एक तरीके से कस्टम्स एंड यूसेज जो होता है मर्चेंट्स का या फिर ट्रेडर्स का इंग्लैंड में, उसके बेसिस पे इसको बनाया गया है। दीज कस्टम्स एंड यूसेजेस गवर्न दीज मर्चेंट्स इन देयर डीलिंग्स विद ईच अदर। तो एक व्यक्ति जब दूसरे के साथ डील कर रहा है, एक मर्चेंट जब दूसरे के साथ डील कर रहा है, तो किस तरीके से वो डील करेगा, किन सारे लॉज को उसको मानना है, किन सारे लॉज को मद्देनजर रखते हुए उसको वो काम करना है, ये सारी चीजें जो है इंग्लिश मर्केंटाइल लॉ में लिखी हुई है। दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज कॉमन लॉ। अब इस लॉ को हम एज ए कॉमन लॉ भी जानते हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इट इज एन अनरिटन लॉ बेस्ड ऑन कस्टम्स यूसेज एंड प्रेसिडेंट्स, है ना। तो ये जो कॉमन लॉ है ये एक अनरिटन लॉ है, इसको लिखा नहीं गया है, लेकिन इसकी जिस तरीके से इसकी इस्तेमाल होती है, जिस तरीके से इसका कस्टम है, जो नियम है ना, और जो इसके प्रेसिडेंट्स हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है इस लॉ को इस्तेमाल में लाया जाता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मर्केंटाइल लॉ नेमली द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज स्टिल अ पार्ट ऑफ कॉमन लॉ इन इंग्लैंड, ठीक है ना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये बात बोली जा रही है कि जो मर्केंट लॉ का पार्ट है, जिसको हम लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कहते हैं, वो अभी भी कॉमन लॉ जो कि इंग्लैंड में प्रिवेल करता है उसका हिस्सा है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है इंडियन स्टैट्यूट लॉ, है ना, स्टैट्यू बोलना गलत होगा, इंडियन स्टैट्यूट लॉ। द एक्ट पास्ड बाय द इंडियन लेजिस्लेचर आर द मेन सोर्स ऑफ इंडियन बिजनेस लॉ। तो हमारा जो इंडियन बिजनेस लॉ है, इसको भी बहुत बारी इंडियन लेजिस्लेचर में पास करवाया गया है, मतलब जो लोकसभा या विधानसभा होते हैं वहां पर भी बहुत सारे कानून बनते हैं जिनको वहां पे पास करवाया जाता है, तभी वो इंडियन बिजनेस लॉ के उसमें वो एक तरीके से काम करेगा। द इम्पोर्टेंट एक्ट पास्ड बाय द इंडियन लेजिस्लेचर आर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। जो इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट जो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा पास किए गए थे लेजिस्लेचर में, वो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, द सेल ऑफ गुड्स एक्ट। में इसको मार्क करता हुआ चलता हूँ। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872, द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, द इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992 एंड द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 एंड सो ऑन। सो ये वो सारे एक्ट्स हैं जिसके जरिए जो है हमारे यहाँ पे बिजनेस को एक तरीके से रेगुलेट किया जाता है, बिजनेस को ठीक तरीके से चलाने में हेल्प मिलती है। तो इन सारे लॉज के बारे में भी आप पता कर सकते हो। तो अभी तक दो सोर्स हमें पता चले, एक तो हमारा इंग्लिश मर्केंटाइल लॉ जो कि एक तरीके से उसी के ऊपर हमारा लॉ सारा बेस्ड है, दूसरा है इंडियन स्टैट्यूट लॉ जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने अपने लेजिस्लेचर में, अपने लोकसभा विधानसभा में पास करके कानून बनाए हैं। तीसरा पॉइंट हम कर लेते हैं जुडिशियल डिसीजंस। ऐसे डिसीजंस जब किसी भी तरह के केस होते हैं, तो केस में जो हियरिंग होती है उसमें जो है जज का फैसला कुछ आता है कि इस तरह की सिचुएशन में ये होगा, है ना, तो उसको भी एक तरीके से नियम माना गया है। अब सपोज कोई एक सिचुएशन है जहाँ पे लोग फंस गए कि भाई क्या होने वाला है, तो जज ने कोई फैसला दिया कि अगर इस तरह का सिचुएशन कभी इन फ्यूचर अराइज होगा तो उसका डिसीजन जो है वो ये होगा। तो जो जुडिशियल डिसीजंस होते हैं वो भी एक तरीके से हमारा सोर्स है हमारे बिजनेस लॉ का, ठीक है ना। सो द पास्ट जुडिशियल डिसीजंस ऑफ कोर्ट आर अनदर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ, दे आर जनरली फॉलोड बाय द कोर्ट्स व्हाइल डिसाइडिंग देयर सिमिलर केसेस बिफोर देम। जैसा कि मैंने आपको बताया है ना कि ये जो है कि जजेस जो है एक डिसीजन दे देते हैं, उसके बेसिस पे इन फ्यूचर अगर कभी भी किसी तरह का कोई इश्यू होता है इसी तरह के टॉपिक के ऊपर, तो उसमें जो डिसीजन होगा वो प्रीवियसली जो डिसीजन दिया गया था उस टॉपिक के ऊपर उसी को मान करके वो डिसीजन दे दिया जाएगा, है ना। द पास्ट डिसीजंस हैव बीन पर्सुएसिव एंड गाइडिंग वैल्यू, है ना। तो जो पिछला जो डिसीजन होता है वो एक तरीके से पर्सुएसिव होता है और वो गाइड करता है कि आने वाले समय में अगर ऐसी कोई सिचुएशन अराइज होती है तो वहां पे प्रीवियस डिसीजन जो कि जज का था उसको माना जाएगा। वेयर द न्यू लॉ इज साइलेंट ऑन अ पॉइंट द जज हैज टू डिसाइड द केस अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी जस्टिस एंड गुड कॉन्साइंस, है ना। तो जब लॉ साइलेंट हो जाता है, जब यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या करना चाहिए, तो उस केस में जो जज होता है सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का, वो डिसाइड करता है अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी एंड जस्टिस एंड गुड कॉन्साइंस कि क्या रूल होना चाहिए और उसी को जो है इन फ्यूचर फॉलो किया जाता है। द डिसीजंस ऑफ द इंग्लिश कोर्ट्स आर आल्सो फ्रीक्वेंटली रेफर्ड टू एज प्रेसिडेंट्स इन द डिसाइडिंग वेरियस केसेस एंड फॉर इंटरप्रेटिंग द इंडियन स्टैट्यूट, है ना। तो कई बार ऐसा भी हुआ है
कि जो इंग्लिश कोर्ट में डिसीजंस होते हैं, जो जो अंग्रेजों के कोर्ट में जो डिसीजंस होते हैं, उसको उसका भी रेफरेंस दे करके जो है इंडिया में बहुत सारे लॉज में जो एक तरीके से इसका इस्तेमाल होता है। अगर कोई सिचुएशन में लोग फंसते हैं और अगर इंडिया में उस तरह का कोई लॉ नहीं है जहाँ पे ठीक तरीके से उसका समाधान नहीं हो पा रहा है, तो इन दैट केस क्या होता है, जो इंग्लिश जो अंग्रेजों का जो जो है उसको एक तरीके से मैनेज किया जाता है और वहां से जो है नियम को ला करके यहाँ पे उसका इस्तेमाल किया जाता है, नियमों को ला करके, है ना। तो ये आपको याद हो गया। चौथा और आखिरी पॉइंट है कस्टम्स एंड यूसेज, जो मैं ऑलरेडी एक बार आपको बता चुका हूँ। द कस्टम्स एंड यूसेज ऑफ अ पर्टिकुलर ट्रेड आर येट अनदर इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इंडियन मर्केंटाइल लॉ। तो इंडियन मर्केंटाइल लॉ जो है, देखो हर एक इंस्टीट्यूशन के काम करने का तरीका अलग होता है, हर एक बिजनेस के काम करने का तरीका अलग होता है। जो लॉ एक तरीके से नेवी इस्तेमाल कर रही है, वही लॉ इंडियन आर्मी इस्तेमाल नहीं करेगी, या फिर वही लॉ जो एयरफोर्स है वो इस्तेमाल नहीं करेगी, क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग नियम होता है। तो जो भी कस्टम या फिर यूसेज बनाए गए हैं इंडियन मर्केंटाइल लॉ के द्वारा किसी अलग अलग चीजों के ट्रेड में, वही लॉज वहां पे चलते हैं। आई होप कि मैं आपको समझा पाया हूँ। दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन रेगुलेटिंग एंड डीलिंग दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन रेगुलेटिंग एंड डीलिंग बिटवीन द मर्चेंट्स ऑफ दैट ट्रेड, है ना। दैट ट्रेड, देखो यहाँ पे इस चीज को ध्यान दो, दैट ट्रेड मतलब एक पर्टिकुलर ट्रेड की बात की जा रही है, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ट्रेड की बात की जा रही है, जहां पे आपको सेम तरह के लॉ, जो जब बिजनेस होगी तो वहां पे लॉ भी सेम तरह का होगा, डिफरेंट नहीं होगा, है ना। तो वहां पे जो भी कस्टम्स एंड यूसेज सालों दर साल चलते आए हैं उसी को वहां पे इस्तेमाल किया जाएगा, है ना, ये बात यहाँ पे बोली जा रही है। बट इट इज नेसेसरी दैट सच कस्टम्स और यूसेजेस मस्ट बी वाइडली नोन, लेकिन ये भी जरूरी है कि ये जो कस्टम्स एंड यूसेजेस हैं ये लोगों को ठीक तरीके से पता होने चाहिए और रीजनेबल होने चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी चल रहा है भाई। सो कॉन्स्टेंट एंड मस्ट नॉट बी इनकन्सिस्टेंट विद द लॉ, तो कॉन्स्टेंट लॉ होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक साल लगाया दूसरे साल कोई और नियम बना दिया, तीसरे साल कुछ और ही तरीके से हो गया, तो इस तरह की चीजें इसमें नहीं होनी चाहिए। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रिकॉग्नाइजेस दिस फैक्ट बाई प्रोवाइडिंग दैट नथिंग कंटेन्ड देयर इन शैल अफेक्ट एनी यूसेज और कस्टम ऑफ ट्रेड। तो किसी भी तरह की कोई भी चीज जो है इसको बदल नहीं सकती है, यह बात यहाँ पे बोली गई है बाय द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो कि 1881 में पास किया गया था, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियसली बताया, एक्ट आल्सो मेक्स अ सिमिलर प्रोविजन। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में भी सेम प्रोविजन की बात की गई है कि आप किसी भी तरह का बदलाव जो है अचानक से नहीं कर सकते, जो कस्टम्स एंड यूसेज चलते आए हैं आपको उन्हीं को मानना पड़ेगा। इट सेज दैट नथिंग कंटेन्ड देयर इन शैल अफेक्ट अ लोकल यूसेज रिलेटिंग टू इंस्ट्रूमेंट्स इन एन ओरिएंटल लैंग्वेज, है ना। तो वही बात वापस से बोली जा रही है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, जहां पे मैंने आपको लॉ की मीनिंग, है ना, मीनिंग एंड सोर्सेस ऑफ बिजनेस का मैंने आपको बताया है। आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लो, ताकि उनको पता चल पाए कि वीडियोस आनी स्टार्ट हो गई हैं बीकॉम के ऊपर भी, वो इन सब वीडियोस को देख करके टॉपिक्स को समझ करके एग्जामिनेशन में जाएंगे और एग्जाम को अटेम्प्ट करेंगे। डेफिनेटली बहुत सारे क्वेश्चन कॉमन मिलेंगे और मैं सिर्फ उन्हीं सारे क्वेश्चन को यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ जो कि एग्जाम में आ चुके हैं प्रीवियसली या आने वाले हैं। ये क्वेश्चंस आपको पता नहीं होगा, ये क्वेश्चंस आपके एमकॉम में भी हैं, ये क्वेश्चंस बीकॉम में भी ऑलरेडी रह चुके हैं, बट अलग अलग सिलेबस में थोड़ा थोड़ा करके दिया हुआ था, बट अब डिटेल में है तो मुझे क्वेश्चंस का भरपूर आइडिया है। मैं उन्हीं सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करूंगा जो कि एग्जामिनेशन में आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, जो एग्जामिनेशन में आपसे पूछे जाएंगे। इसलिए इन वीडियोज को पूरा देखिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, बाय, थैंक यू।